हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। जब श्री राम को वनवास हुआ, गुरुदेव को पता था। सीता को वनवास होगा, वो भी गुरुदेव को पता था। स्वयं स्वर्गवासी महाराज दशरथ भी इन घटनाओं को जानते थे। क्या पिताश्री जानते थे कि क्या कह रहे हैं आप? यह समय ज्ञान और दर्शन का नहीं, संवेदना का है। परंतु कोरी संवेदना से क्या होगा जब तक उसके साथ मार्गदर्शन न हो। दिशाहीन संवेदना से कर्मपथ तो नहीं बनते। कर्मपथ कौन बनाता है आर्य सुमंत? ये सब तर्क की बातें हैं। पथ तो होने के हाथ में है। जैसे सहसा एक भूकंप आ जाने से सारे मार्ग और पथ धरती में समा जाते हैं, उस समय दर्शन और ज्ञान का क्या लाभ? तभी तो लाभ है जब भूचाल में सारे रास्ते और मार्ग मिट जाते हैं तो फिर से नए मार्ग और पथ बनाने होते हैं। जो उस भूचाल से बच जाते हैं उन्हें जीवन की नई आशा का प्रकाश देना होता है। उस समय धर्म और ज्ञान ही नया कर्म पथ बनाता है। नहीं यार सुमंत्र, नहीं। जब होने का भूचाल आता है तो ज्ञान और धर्म सब रखा रह जाता है। हाँ, यदि मनुष्य होने को जान ले तो क्या कर लेगा? क्या वो होने को बदल देगा? लक्ष्मण, होने को कोई नहीं बदल सकता। सबको होने के आगे अपना मस्तक झुकाना पड़ता है। ठीक है, मैं भी यही कहता हूं कि होने के आगे चुपचाप सर झुका देना चाहिए। और सर झुकाकर सारा जीवन वहीं बैठे रहना चाहिए। भूचाल के पश्चात मनुष्य किसी दिशा में किसी रास्ते पर तो चलेगा। यहीं पर उसे शास्त्र और दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जो उसे ये बताए कि इस अवस्था में उसका धर्म क्या है और उसका रास्ता किधर है। परंतु वह रास्ता सोचने की सुध किसमें होगी? होने की चोट इतनी अकस्मात और कठोर होती है कि मनुष्य का होश स्थिर नहीं रहता। या तो वह जड़वत हो जाता है या पागल। तभी तो गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु न तो बेहोश होता है न पागल होता है। गुरु का ज्ञान हर अवस्था में स्थिर रहता है। यदि गुरु को इतना ही ज्ञान होता है तो होने से पहले उसका उपचार क्यों नहीं कर लेते? भाभी के वन जाने से एक दिन पहले तक यह जीवन सुख और स्मृति से भरा हुआ था। फिर अचानक जैसे एक बिजली गिरी और एक ही रात में सब कुछ हो गया। यदि गुरु को उसका पता होता तो गुरु क्या कर लेते? यही तो मैं पूछ रहा हूं। लक्ष्मण, जिन्हें पता होता है वो होनी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी को इसका पता था। हाँ, था। पता था? किसे? गुरुदेव को। गुरुदेव को? हाँ, जब श्री राम को वनवास हुआ, गुरुदेव को पता था। सीता को वनवास होगा, वो भी गुरुदेव को पता था। स्वयं स्वर्गवासी महाराज दशरथ भी इन घटनाओं को जानते थे। क्या पिताश्री जानते थे कि क्या कह रहे हैं आप? आपको इसका ज्ञान कैसे? क्योंकि जब महाराज दशरथ को यह बताया गया था तो उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। कहां पर? गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। एक बार महाराज दशरथ गुरु के आश्रम में पधारे थे। उस समय वहां पर परम तेजस्वी महर्षि अत्रिपुत्र
महामुनि दुर्वासा वहां ठहरे हुए थे। सायंकाल की गोष्ठ में महाराज ने उनसे पूछा, भगवान आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मुझ पर प्रसन्न होकर यह बताने की कृपा करें कि मेरा वंश कितने समय तक चलेगा, मेरे राम का भविष्य कितना उज्जवल है, मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी और मेरे पुत्रों के पुत्र कैसे होंगे, विशेष करके मेरे राम के पुत्रों का भविष्य बताने की कृपा करें। राजन, आपके सारे पुत्र दीर्घजीवी हैं, सबके घर उत्तम संतान होगी, जिसमें कई नए नए राजवंश स्थापित होंगे। आपने विशेषतः राम की बात पूछी है, तो सुनिए, राम का भविष्य अधिक सुखमय नहीं है। वो अपनी युवावस्था में ही राजसुख से वंचित होकर पत्नी सहित 14 वर्ष वन में रहेंगे। जब राज्य सुख पाएंगे तो पत्नी सुख से वंचित हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विरह में ही अपना अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। उनके 2 पुत्र भी होंगे जो बड़े पराक्रमी होंगे, दोनों नए राज्य स्थापित करेंगे। राम उनका अभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। मुनिवर, राम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, मेरे उसी पुत्र के भाग्य में इतना दुख क्यों? राजन, श्री राम के भाग्य के बारे में आपने जो बात कही है वो अज्ञानवश कही है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पुत्र राम तो स्वयं भाग्य विधाता है। अर्थात ये कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु ने ही आपके घर राम रूप में अवतार लिया है, और ये पत्नी वियोग का दुख उन्हें भृगु ऋषि के दिए हुए शाप के कारण भोगना पड़ेगा। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को शाप दिया था? हां, देवासुर संग्राम के समय देवताओं से पीड़ित होकर दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। इस पर कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भृगु पत्नी का सिर काट दिया। इस पर भार्गव वंश के प्रवर्तक महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध के वशीभूत होकर उसका वध किया है, इसलिए आपको भी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा।
तत्पश्चात महाराज दशरथ ने मुझे शपथ देकर कहा था कि ये बात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को कभी न कहना। इसीलिए आज तक मैंने ये बात सदा गोपनीय रखी थी। ऐसी विचित्र बात सुनकर मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। यदि आपको ये सब पता है तो फिर भी हम इस प्रकार दुखी क्यों होते हैं? तुम्हारे वनवास जाने पर मैं इतना विवल क्यों हो गया था? ऐसे ऐसे कई प्रश्न मेरे मन में भी उठते हैं, पर उनका उत्तर मुझे नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि हम साधारण प्राणी माया के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनमें से बच के निकलना संभव नहीं है। श्री राम को देखो, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, फिर भी जब नर रूप धारण किया है तो अपने आप को संपूर्णतः माया के अधीन कर दिया है। उसी प्रकार दुखी होते हैं, विवल होते हैं, फिर हमारी क्या गिनती है लक्ष्मण?